Hello everyone, so this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor once again before you. Dosto, jaise ki aapko malum hai, hum kara rahe hain aapko basic English speaking course. Aur is basic English speaking course mein filhal hum kar rahe hain sounds. Kiski? Letters ki aur vowels ki. आपने अगर हमारी क्लास वन नहीं देखी है तो उसका लिंक अभी हम आपको यहां दे रहे हैं और इस लिंक को क्लिक करके आप क्लास वन को भी देख सकते हैं. क्लास वन हम कर चुके हैं, आज हमारी बारी है क्लास टू की. तो मैंने जैसे कि आपको बोला है कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है और कमेंट सेक्शन में लिखना भी है. आपको जो मैं बोलूं कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें आपके जवाब मिलते हैं. तो देखते हैं कि हमारे पास आज क्लास टू में क्या है. मैंने आपको पिछली बार कहा था कि कॉन्सोनेंट्स मैंने करा दिए हैं, लेकिन अब बारी आती है वॉवल साउंड्स की. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, कितने? पांच. बिल्कुल सही. और वॉवल साउंड्स, आज आपको हैरानी होगी. और आज मैं आपको जितनी वॉवल साउंड्स, मैं अभी भी आपको बता सकता हूं कितने वॉवल साउंड्स होते हैं. तो आप सभी अपना गैस करिए और कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कितने वॉवल साउंड्स होते हैं, और फिर मुझे लास्ट में बताइएगा. आप गिनते रहिए, मैं आपको अलग अलग करके दूंगा वॉवल्स, और आप बताइएगा एक वॉवल की कितने साउंड्स हैं और टोटल कितने साउंड्स हैं. तो मुझे टोटल वॉवल साउंड्स आपने इस सेशन के बिल्कुल लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम. सबसे पहला वॉवल है हमारा ए, और बहुत इंपॉर्टेंट वॉवल है. तो आज करेंगे हम सारी के सारी वॉवल साउंड्स. ओके, तो हमारा पहला वॉवल है ए, और इसकी साउंड्स कितनी है? सिक्स. तो दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी सिक्स डिफरेंट साउंड्स ऑफ ए. ये बड़े कमाल की बात है कि हमें ए मालूम है, ए की वॉवल है, लेकिन साउंड्स कितनी निकली? छह. अब सोच के देखिए टोटल कितनी साउंड्स होती हैं वॉवल्स की. ओके, तो देखिए पहला जो वॉवल हमारा ए है, उसमें मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि कैसी साउंड निकलेगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पहले जो वॉवल की साउंड आई ए की, वो शॉर्ट वॉवल साउंड कहलाती है ए. तो ए की ओरिजिनल साउंड तो ये है जो आपको मालूम है. फॉर एग्जाम्पल बोलिए एप्पल, कैट, नैप. बोलकर देखिए लगभग ए की आवाज निकल रही है. एग्जैक्टली तो ए नहीं निकलता हिंदी वाला, क्योंकि हम लेटर्स को मैच नहीं कर सकते दो लैंग्वेजेस के, लेकिन साउंड निकल रही है कि नहीं? एप्पल, कैट, नैप. अब देखते हैं साउंड नंबर टू ए की, और ये जो साउंड होती है ये होती है ए. अब आपको ई कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो साउंड होती है ये दोस्तों कहलाती है डिफ्थोंग साउंड. तो जब दो वॉवल्स ऐसे मिल जाते हैं इस तरह से, साउंड को बोलते हैं डिफ्थोंग. क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्थोंग. अगर आपने फोनेटिक्स पढ़ी हो तो फोनेटिक्स में डिफ्थोंग्स आते हैं, और जो बहुत मजेदार होते हैं. तो जब हम लिखते हैं तो हमें दूसरा वॉवल नजर नहीं आता, लेकिन वो बोलता है. एक ही एक साउंड होती है ए. तो बोलिए जरा ए. तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? बोला क्या? सो इट इज नॉट मेक. अगर ये मेक होता तो ये यहां आता या कहीं और आता. ये है मेक. सो व्हाट इज दिस? एबल. सो व्हाट इज दिस? नेम. तो मैं क्या पूछूंगा आपसे? हे, What is your name? है ना मजेदार बात? ए. ए की आवाज ए. तो आमतौर पे कहां निकली? कि जब हम देख रहे हैं हमारे पास ए आया, कंसोनेंट आया, फिर क्या आया? ई आया. फिर ए आया, दो कंसोनेंट आया, ई आया. फिर ए आया, फिर कंसोनेंट आया, फिर ई आया. सो वहां पर हमारी ए आवाज निकली, जैसे गेट. ओके, तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे. साउंड नंबर थ्री पर आते हैं हम. ए की एक बड़ी साउंड निकलती है आ, यानी ए ही हमें एक साउंड देता है आ. जैसे फाद, का, फाट, ये ब्रॉड साउंड बोलते हैं इसको, और ये आ की साउंड निकालते हैं. तो इसको फादर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाद. क्या बोलेंगे? फाद. अब इसमें एक और साउंड छुपी हुई है जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, साउंड फोर. ये जो साउंड निकलती है ये आ की नहीं होती. सो दिस इज नॉट काल. मैं तुम्हें काल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कॉल. सो दिस साउंड इज कॉल्ड अ. बोलिए मजा आ रहा है? कॉल, बॉल, टॉल, या. सो जब भी हम ऐसी साउंड निकालेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए. जैसे ये आसम नहीं होता, ऑसम. तो आधा आ आधा ओ बना ऑसम.
ओके एंड दिस इज नॉट ऑडिट, ऑडिट नहीं होता, ऑडिट या सो दिस साउंड इज कॉल्ड ऑलमोस्ट ओ साउंड, लेकिन ये पूरा ओ नहीं होता, आ प्लस ओ मिलाकर बनता है। अब हां एक साउंड निकलती है हमारी ए की भी, जैसे मैनी एनी, ये ए है, सॉरी ये आ है, एप्पल ये ए है, दोनों को ध्यान रखिएगा। और ये बड़ी मजेदार साउंड है जहां पर आधा नहीं है लेकिन निकलती है आवाज ए आ, बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साउंड में इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना आंसर, देखता हूं मैं कितने लोग आंसर देंगे इसका। मैंने भी आपको बताया इसको क्या कहते हैं, सो दिस इज ए आ, अ ए अ बे अ के अ, इसमें र की आवाज लगभग ना के बराबर निकल रही है दोस्तों, इसको बोलते हैं डिफथोंग। आपने लिखा क्या डिफथोंग, देखिए मैं सारे के सारे आपको साउंड्स पढ़ा दूंगा इंग्लिश में, और ये वॉवल साउंड्स आपने इतनी कभी पढ़ी नहीं होंगी। तो चलिए चलते हैं सेकेंड वॉवल की तरफ, और हमारा जो सेकेंड वॉवल है तो ये उसकी थी छह साउंड ए की, आ ई की निकली तीन, गिन रहे हो ना आप, सिक्स प्लस थ्री टोटल कितनी हो गई नाइन। तो ई की साउंड देख लेते हैं, हमारी ई की सबसे पहली साउंड है सबसे कॉमन साउंड, वो क्या होती है ए, जैसे बैट, लेकिन ये शॉर्ट साउंड होती है, ये ए नहीं होता, ये ए, ये बैड नहीं होगा बैड, ओके तो ध्यान रखिएगा, ये पेन नहीं होता, मुझे पेन दो नहीं, मुझे पेन दो, पी एन पेन शॉर्ट साउंड है, टेन पेन हैन, ओके एंड दिस इज व्हाट टेस्ट। तो आपने इनको ऐसे ही समझना है, ये शॉर्ट साउंड होती है। अब हम करते हैं एक बड़ी साउंड, नाउ दिस इज लॉन्ग साउंड, ई फ्री सी कॉफी, इट इज नॉट कॉफी, कॉफी बड़ी की मात्रा आएगी, ओके देन वी हैव थर्ड साउंड जहां पर ई के साथ आर जुड़ा हुआ आता है, लेकिन साउंड क्या निकलती है देखो अभी आप देखेंगे, ओके आर खा जाएंगे इसका हम, ये अ की लगभग साउंड निकालता है, जैसे इसको फादर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फादर, ये अ की साउंड निकालेगा, डियर हियर, ये हेयर नहीं होता हियर, क्या बोलेंगे हियर। तो जब ये आ के साउंड आर के साथ आएगा तो इसमें अ की आवाज निकलेगी, जब ई आर आता है खास तौर से, तो सॉरी ये वाला ई आर है इसमें, ओके इसमें ई आर आ गया, लेकिन बोलेगा क्या डियर, ये अ की साउंड निकालता है। तो तीन साउंड हमारी हुई ई की, अब चलते हैं हम अगले साउंड की तरफ, आई से बनने वाले वर्ड्स लिखो, सारे वर्ड्स जिसमें आई वाउल आता है लिखिए, इंक लिखा टिन लिखा, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कमाल के वर्ड जो बनते हैं और उसमें ई की आवाज नहीं आती, कोई और आवाज आती है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो जो आपने लिखा होगा ये शॉर्ट साउंड होती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साउंड ई, छोटी ई, जैसे बिग टिन, अगर आपने लिखा इंक लिप थिंक, ओके तो ई की आवाज निकलेगी, लेकिन एक होती है इसमें आई, इसमें ई नहीं, जैसे बी के बाद आई आया लेकिन बिक नहीं बोलेगा, ये बोलेगा बाइक, ओके जैसे टिम नहीं बोलेगा, ई आया लेकिन बोलेगा टाइम, ये लाइन। तो आप देख रहे हैं जहां पर आई आया और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आया और फिर ई आया, जैसे लाइम। तो जरा मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं जिसमें आई आया कॉन्सोनेंट आया और उसके बाद फिर ई आया, टाइम ओके लाइन, हाइक एच आई के ई, इन सब में ये आवाज जो निकलती है ये आई निकलती है और ये डिफथोंग होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था साउंड थ्री आई की, जैसे ये जो आवाज होती है ये आय की होती है, इनकम वाला आय, ये वाय बोलिए वाय, हाय डाय, यह निकल रहा है टाय, ये आय की आवाज निकलती है। और चौथी जो साउंड होती है वो हमारी होती है अ की, ये ई है, ई है लेकिन निकालेगा अ, देखो कैसे, थर्स्ट अ की आवाज निकली, फर्स्ट अ की आवाज निकली, डर्ट अ की आवाज निकली, नहीं क्या
ये मजेदार चीज है बहुत, जिससे आपको इंग्लिश में स्पेलिंग्स को ठीक करने में, पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। मेरी आपसे राय यह है कि अब आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप छोटा सा पैराग्राफ कहीं से उठाइए और इंग्लिश को पढ़िए। हम आपसे पढ़वाएंगे भी, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये सारे वर्ड्स जोर जोर से पढ़िए, बिग, थिंक, लिप, बाइक, टाइम, लाइन, वायर, हायर, डायर, और ऐसे ही बोलिए, थर्स्ट, फर्स्ट, डर्ट, है ना मजेदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पांच और साउंड्स। वाओ, कोई गिन रहा है? कोई गिन रहा है कितनी साउंड्स हो गई? मजा आएगा, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में सबसे लास्ट में, वॉवल की कितनी साउंड्स आपने पढ़ी। फाइव साउंड्स ऑफ वॉवल ओ, ओ की देखते हैं साउंड्स, बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, सबकी शॉर्ट साउंड सबसे पहले निकलती है ओ, ओके, जैसे ऑन, ऑफ, नॉट, ये ऑन नहीं होता, ऑन, ऑफ, नॉट, ये शॉर्ट साउंड है। लेकिन लॉन्ग वॉवल साउंड ओ भी होती है, जैसे गो, ये गो नहीं, गो, लो नहीं, लो, नो नहीं, नो। अब वो जल्दी में कह रहे थे नो, लेकिन होती क्या है नो बस इसको ऐसे समझिएगा। तीसरी साउंड देखिए ओ की, मजे की बात है, क्या आपने कभी सोचा था ओ अ की साउंड निकालेगा? जरा बताइए कोई वर्ड्स जिसमें ओ अ की साउंड निकाले। अरे वाह, लव, डव, इन सब में क्या निकाल रहा है? अ की साउंड निकाल रहा है, जबकि है ओ, लव, कम, डव, सम, तो ये अल्टरनेट शॉर्ट ओ साउंड है जो अ की निकलती है। चौथी साउंड देखिए, ओ एज इन टू, शू, ये छोटी साउंड है, शॉर्ट साउंड है ऊ की, ये ओ की है, ये ऊ की है, सो ये टू नहीं है, टू, शू, हु। पांचवी साउंड देखिए, क्या आपने सोचा था ओ वो की भी साउंड निकालेगा? अ की तो निकालेगा, वो की भी साउंड निकालेगा। जरा वो की साउंड वाले ओ से बनने वाले वर्ड्स तो बताइए। अरे वाह, वन, वंस। तो जब भी आपको ओ ऐसे मिलेगा तो आप, और खासतौर से एन आगे लगा हुआ मिल रहा है, तो ये वो की साउंड भी निकालेगा। तो कितनी साउंड हो गई टोटल? पांच टोटल साउंड गिनी आपने। चलिए एक और धमाका। हाँ, अब आ गया हमारा आखिरी। शुरू किससे किया था? ए से। कितनी साउंड्स थी? छह। फिर हमने कहां पर आ गए? ए पढ़ा, ई पढ़ा, आई पढ़ा, ओ पढ़ा, अब आ गए हम आखिरी पर, फिर सिक्स साउंड्स वॉवल यू की। देखते हैं पहली साउंड क्या होती है। वाह, शॉर्ट वॉवल साउंड सबकी होती है, एस यू एन, सन, पी यू एन, पन, आर यू एन, रन, शॉर्ट साउंड, बी यू टी, बट, यू एस, अस। सेकेंड साउंड देखिए, जब यू य की आवाज निकालेगा, यानी यू की, यूज, यूनाइट, यूनिक, कोई और वर्ड बताइए, कोई और वर्ड बताइए जिसमें यू की आवाज निकले यू से, ओके। तीसरी साउंड देखिए, जब वो अ की आवाज निकालता है, बाई, गाय, ओके, ये अ ई में ज्यादा इस्तेमाल होता है डिफ्थोंग की तरह, लेकिन अ की साउंड निकल रही है। चौथे भी देखिए, यू की साउंड कैसे निकल रही है, वाह, उ, ओके, ये निकल रही है अ, इसमें गौर फरमाइएगा, शॉर्ट अ साउंड, ये क्या है, शॉर्ट उ साउंड, पुल। अब देखिए, आपने वो मूवी देखी जिसमें अमिताभ बच्चन प्रोफेसर प्यारे लाल तीसरा धर्मेंद्र से पूछता है, ये बताइए पी यू टी पुट क्यों होता है, पी यू टी पट क्यों नहीं होता? क्योंकि बी यू टी बट होता है, बुट क्यों नहीं होता? तो अब आपको उसका जवाब मिल गया। उसका जवाब क्या है कि ऊ की दो अलग अलग साउंड होती हैं। तो आप जवाब देंगे कि सर बी यू टी बुट नहीं बट होगा, क्योंकि इसमें कौन सी साउंड आएगी, शॉर्ट वॉवल साउंड अ, और ऐसे ही पी यू टी पट नहीं होगा, पुट होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट वॉवल साउंड आएगी ऊ की। ये आपको कब पता चला? जब आपने सारी के सारी साउंड्स पढ़ी। तो इसलिए साउंड्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है और उन साउंड्स को बार बार बोलना भी है, तभी आपको आएगा। पढ़ने से नहीं आता, बोलने से आता है। ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का नहीं। बोलना है, यहीं से शुरुआत कीजिए, मैं आपको धीरे धीरे आगे लेकर चलूंगा, और रुकना नहीं है। 30 के 30 दिन का कोर्स करना है आपने, हम आपसे लगातार कराएंगे। वीडियोस छोटी हैं तो आपको और मजा आएगा। ओके,
तो देखिए इसकी पांचवी साउंड होती है ये वाली जिसमें ऊ की आवाज निकलता है, जूट। ओके, अब कभी कभी ऊ की साउंड आपको डबल ओ में भी निकलेगी, सेम साउंड, जूट और रूट। बोल के देखिए, रूट बोलिए, सेम साउंड है, सेम साउंड है, ऊ बड़ा ऊ। अब इंग्लिश में यही कमाल की बात है, आपको यह आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका सिंगल कर देता हूं तो यह क्या हो जाता है, रॉट। ये बहुत ही कमाल की बात है जो आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, नाउ ऐसी हमारी छठी साउंड आती है, ये बहुत ही कमाल की साउंड है, जो साउंड आती है यो की, जैसे क्यो, जैसे प्यो। ओके, और इसमें र लगभग ना के बराबर बोलता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा आपने कि आपने कैसे ये साउंड निकालनी है। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती हैं जो बहुत अजीब साउंड है, हमने उनको नहीं लिया है, आप इतना समझ लें, इतना पढ़ लें, बहुत है। अब आपने करना क्या है, असाइनमेंट आपका क्या है, जितने भी आपने वॉवल्स पढ़े उनकी टोटल नंबर ऑफ साउंड्स मुझे लिखनी है कमेंट सेक्शन में। नंबर एक, सबने लिखना है कितनी साउंड्स होती हैं वॉवल की, 10 होती हैं, 15 होती हैं, 20 होती हैं, 24 होती हैं, 25 होती हैं, 30 होती हैं, मैंने बोल दिया फिर भी आप बताइएगा कितनी होती हैं। दूसरा, हर वॉवल के साउंड से एक वर्ड लिखिए, तो अगर आप कह रहे हैं कि 20 होती हैं, 20 वर्ड्स लिखिए, 20 वर्ड्स, अरे मैंने इतना पढ़ाया आप इतना नहीं करोगे। और अगर आपको और सीखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और रोज 9 बजे हम लाइव जाते हैं, हमें जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये कोर्स आपको उसमें भी मिल जाएगा फ्री। ओके, ये पूरा के पूरा कोर्स याद रखिएगा बिल्कुल फ्री है, जीटा इंग्लिश अकेडमी में आप हमारा प्लस कोर्स भी ले सकते हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत अफोर्डेबल है, एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। और इसमें हमने 185 वीडियो से आपको सिखाया है, 185 वीडियोस हैं, और आप क्या आप यकीन करेंगे, एक वीडियो की कीमत एक चाय के प्याले से भी कम है, यानी 10 रुपए से कम। अब इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो ना, अरे 4 महीने तक एक कप चाय कम पीना, या और सोचिए आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स को, और मेरी बुक्स अवेलेबल हैं इसके अलावा भी हैं जो आ रही हैं, उनको भी परचेज कीजिएगा, और घर बैठे इंग्लिश सीखिए अमेजोन पर। अमेजोन पर स्पीक इंग्लिश टू 1000 डेली यूज सेंटेंसेस एंड 500 वेज टू लर्न इंग्लिश, और हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9648396484। व्हाट्सएप नंबर है हमारे ब्रॉडकास्ट से, आप जुड़ सकते हैं, बस अपना नाम लिखिए और शहर का नाम लिखिए। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, बट क्लास नंबर 3 जरूर देखिएगा और उसमें हम बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।